नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हूँ आप मेरे साथ हिंदुस्तान टीवी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। तो हम बात कर रहे हैं आगरा ग्वालियर रोड स्थित आगरा छावनी के विधानसभा के सरस्वती विहार कॉलोनी की। सरस्वती विहार कॉलोनी की अगर बात की जाए तो वहाँ के कुछ लोगों ने अपने वीडियोज को वायरल किया है। उन लोगों का कहना है कि सरस्वती विहार में किसी प्रकार के विकास कार्य नहीं हुए। यह सब फोटो और वीडियो बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अधूरी टंकी के पास है। इन लोगों का कहना है यहाँ विकास के नाम पर आज तक कोई भी कार्य नहीं हुआ, जबकि आपको बता दें कि ताजनगरी आगरा और फिरोजाबाद में इस समय डेंगू का काफ़ी प्रकोप देखने को मिल रहा है। लोग अपनों को खोते नजर आ रहे हैं, ऐसे में यहाँ के लोगों की चिंता करना जायज है। डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी गंदगी के चलते होती है और इनका कहना है यहाँ बरसों से जल भराव के चलते पानी की कोई निकासी नहीं है और यहाँ बीमारी फैलने का खतरा सता रहा है। इन लोगों का कहना है कि यहाँ किसी भी जनप्रतिनिधि ने आकर विकास कराने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया। वहीं आपको बता दें कि यहाँ एक तरफ लोग परेशान है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा अपने कार्यों का ऊपर चढ़कर प्रचार कर रही है और बता रही है कि हमने कितने प्रयास किए हैं। वहीं यहाँ की अगर फोटो और वीडियो की मानी जाए तो आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में अगर यहाँ के लोगों का विकास नहीं हुआ तो वो चुनाव से भी बहिष्कार कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है यहाँ के निवासियों। निवासी सरस्वती विहार कॉलोनी, तो क्या समस्या है यहाँ पर? यहाँ समस्या है गलियों खरंजे नहीं है और पानी की भर गया और डेंगू बीमारी फैल रही है। यहाँ मंदिर भी है, यहाँ आने जाने वाले बच्चे औरतें गिर जाती हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे भी गिर जाते हैं। बहुत ही समस्या खराब है, यहाँ बीमारी फैल रही है। तो कहीं पर शिकायत वगैरह नहीं की इसकी? शिकायत को विधायक के यहाँ भेजे, मेयर के यहाँ भेजे, कई जगह भेज दी गई है, वो भी नहीं सुनवाई करते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिचंद शुक्रवार। तो ये क्या समस्या है इस गली की? समस्या ये है कि मतलब घोटू घोटू पानी भर जाता है और सब नातेदार परेशान है, बच्चे भी परेशान है हमारे, और पढ़ने लिखने स्कूल नहीं जा पा रहे, इतना पानी भर जाता है यहाँ में। तो मतलब बच्चे भी परेशान हैं और हम भी परेशान हैं, और बीमारी फैल रही है, बहुत ज़्यादा मच्छर हो गए यहाँ पे और परेशानी हो रही है। हॉस्पिटल में बच्चों को दवाई नहीं मिल रही है। क्या समस्या है यहाँ पर? यहाँ पानी भर रहा, कोई पूजा नहीं आता है। अच्छा, गिर जाते हैं सब लोग बाग। अच्छा, तो ये समस्या कब से है? ये तो बहुत दिन से ही है, शुरू से ही है। आपने इसकी कोई शिकायत वगैरह करवाई है क्या? शिकायत करवाई पर कोई सुनाई ही ना है रिया की। चलो, आपका नाम क्या है? राजेश। तो यहाँ कब से रह रहे हैं? करीबन 15-20 साल। अच्छा, तो ये पानी निकासी वगैरह की समस्या कब से चल रही है? शुरू से ही है, कोई परेशानी वो नहीं है। ये कली के कभी आया ही नहीं है नंबर। तो कहीं शिकायत वगैरह करने गए हैं आप लोग? मंगवा रहेगी। अच्छा, विधायक जी के पास गए हैं? विधायक जी के पास गए। अच्छा अच्छा, कितने सालों से ये समस्या? कम से कम 10 साल तो यही चली, पानी भरती भरती। तो अच्छा अच्छा, तो क्या समस्या है यहाँ पर? समस्या ये है कि हमारे यहाँ तकरीबन हमें यहाँ रहते हुए 10-12 साल हो चुकी है, बट यहाँ पर ना तो नाली निर्माण हो रहा है और ना ही खरंजे का निर्माण हुआ है, और हमारे जो पार्षद जी हैं वो तो इस तरफ देखने भी नहीं आते हैं कि कैसे पर्सन रह रहे हैं और कहाँ रह रहे हैं। कंडीशन आपकी गली की देख सकते हो। बिल्कुल, तो कहीं शिकायत वगैरह करी है आपने इसकी? हाँ, 2-3 बार एप्लीकेशन भी दे दी है, SPC वगैरह के यहाँ भी दे दिया, नगर निगम में भी दे दी है और GS धर्मेश के यहाँ भी दे चुके हैं, लेकिन कोई इसका निवारण नहीं हो रहा है। ठीक है, तस्वीरों को देख कर कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ के निवासियों का सब्र अब झलक रहा है, उनका सब्र जवाब दे गया है और वह बगावत पर उतर आए हैं। 2022 के चुनाव में कहीं ना कहीं यहाँ के निवासी चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। जहाँ भाजपा विकास का दावा कर रही है, वहीं विकास की यहाँ किस प्रकार का विकास हुआ है, यहाँ के लोगों की जो तस्वीर है वायरल की गई है वो अपने आप में कुछ और ही बयां कर रही है। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान टीवी न्यूज़ को, देखते रहिए हिंदुस्तान टीवी न्यूज़। चौक सिंह सक्सेना, आगरा।